खबर मधुबनी जिले से आ रही है। मधुबनी निर्भया कांड के दोषियों को ही फांसी की सजा। समाज के बेटियों निर्भया की मां के लिए इंसाफ और सामाजिक न्याय का दिन है। आज शुक्रवार का दिन समाज के बेटियों एवं निर्भया कांड निर्भया के की मां के चारों लिए इंसाफ दोषियों का और को सामाजिक न्याय का माननीय दिन है। उच्च यह न्यायालय बात द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जिला फांसी मीडिया की सजा प्रभारी दी मनोज गई कुमार है, मुन्ना जिसका आज फांसी एवं भी पूर्व हो गई। भाजपा नगर अध्यक्ष अजय प्रसाद ने कही। 7 साल 3 माह के बाद इसके बारे चारों में दोषी बताइए पवन कि गुप्ता, विनय इससे शर्मा, आपको अक्षय ठाकुर अपने एवं मुकेश सिंह अंतरात्मा को में फांसी कितनी दी गई। खुशी मिले? प्रसन्नता एवं खुशी देखो, व्यक्त इसी करते से हुए दोनों बात नेताओं ने है, कहा कि आज इससे का जो समाज के बड़ा लोगों में ऐतिहासिक दिन न्यायपालिका, कि राष्ट्रपति एवं सरकार पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। निर्भया इस जैसे फैसले को लोगों ने ऐतिहासिक भी लड़की के बताया साथ हत्या हुआ, और इन लोगों गैंगरेप ने यह भी हुआ, मांग की कि इसके आगे बाद इस हत्या प्रकार की के गई मामले में त्वरित कार्रवाई और करते हुए दोषियों को उसको फांसी की सजा ही लेकर मिलनी चाहिए। पूरे देश में मधुबनी 7 साल जिले से आरजी पहले बिहार प्रदर्शन न्यूज के लिए गोपाल राजा की किया रिपोर्ट। गया। मीडिया बंधु का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। निर्भया की मां ने इसके लिए न्यायपालिका दरवाजा खटखटाया, सरकार के पास गई। आज उसी का परिणाम है कि आज सुबह में चारों दोषियों को फांसी की सजा दी गई। ये बड़े खुशी और गर्व की बात है। इससे हम लोग को समाज में एक सबक मिलता है, यदि हम समाज में गलत कदम उठाते हैं तो हम इसके दोषी होंगे और इसका आज जीता जागता उदाहरण। इसका फैसला आने में 7.5 साल लग गया, नहीं लग रहा है आपको कि इतनी लंबी जो अवधि है वो कहीं ना कहीं जो उसके पक्ष में खड़ा था उनका मनोबल गिर रहा था कि क्या होगा नहीं होगा? आपको पता है ना कि निर्भया कांड के चारों दोषियों को आज फांसी की सजा दी गई है, बिल्कुल पता है। तो उसके बारे में बताइए कि कितना प्रोटेस्ट हुआ था और अंततः जो है 7.5 साल की लंबी लड़ाई के बाद निर्भया के माँ को न्याय मिला, उसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, आज इसीलिए हम लोग आज पूरे भारत में आज न्याय दिवस मना रहे हैं। लेकिन जो इतना लंबा समय खींचा, इस चारों दोषी को बहुत पहले ही फांसी मिल जानी चाहिए थी और कानून को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। जिस तरह से आज पूरे भारत में रेप हो रहा है और ऐसे रेपिस्ट को तुरंत ऐसा कानून बने कि 6 महीना के अंदर में उसको फांसी की सजा निश्चित मिलनी चाहिए। ये जो फैसला है उसमें हम लोग की जो बेटियां हैं उनका मनोबल किस हद तक बढ़ा है? बहुत मनोबल बढ़ा है, बेटी आज मजबूत हुई है और मजबूत रहने की भी जरूरत है। बस कानून को थोड़ा सा मजबूत और बनाने की आवश्यकता है।